हाय गाइज, आज के हमारे इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी मिलने वाली है कि आखिर इंस्टाग्राम की जो रील्स होती हैं उनको आप अपनी गैलरी में कैसे सेव कर सकते हैं, यानी कि डाउनलोड अगर आपको करना है तो कैसे कर सकते हैं। बड़े ही आसान शब्दों में मैं बताने वाला हूँ। साथ में आप सबको ये भी बता दूँ कि मैं अपने इस वीडियो के अंदर किसी भी आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए नहीं बोलूँगा और ना ही किसी वेबसाइट का यूज़ करने के लिए बोलूँगा, डायरेक्ट आपको प्रोसेस बताने वाला हूं। तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो जल्दी से शुरू करें। दोस्तों सबसे पहले आप प्ले स्टोर को ओपन करके इंस्टाग्राम को अपडेट कर लीजिएगा। इसके बाद आप इंस्टाग्राम को ओपन करिएगा। जैसे ही आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम आप ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेजेस आ जाते हैं, जिन पे नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं रील्स का ऑप्शन मिलता है, प्रोफाइल का, सर्च करने का, होम का। तो गाइज आपको प्रोफाइल वाले में अगर क्लिक करते हैं तब यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा आपके प्रोफाइल के बारे में आ जाता है। गाइज आपके रील्स और आपके फोटोज़ जो हैं वो पोस्ट जो भी आपने किया वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं। रील्स देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे कि आपको किसी भी रील को मान लीजिए डाउनलोड करना है, अभी जैसे कि मान लीजिए कि यही है, इस रील को आपको अपने गैलरी में डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं थ्री डॉट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है हर रील्स के, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का और साथ में तरह तरह के और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इन्हीं सब में देखिए सबसे ऊपर जो मैंने बताया कि डाउनलोड वाला ऑप्शन है आपको इसमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ देखिए आप जैसे डाउनलोड में क्लिक करेंगे तब आपके सामने नीचे यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोडिंग। और गाइज ये आपके नेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो ये रील है कितने समय के अंदर आपकी गैलरी में डाउनलोड होने वाला है। अगर आपके यहाँ की नेट की स्पीड अच्छी होगी तो बहुत कम समय में आपकी गैलरी में ये रील्स डाउनलोड हो जाएंगी। और तो चलिए हम लिए चलते हैं अपने गैलरी में। तो ये आप देखिए यहाँ से हम होते हैं बैक और यहाँ हम चलेंगे डायरेक्ट वीडियो वाले सेक्शन में, यहाँ पे क्लिक करते हैं। और यहाँ क्लिक करने के बाद गाइज अभी आप देख सकते हैं ये रील्स मैंने एक डाउनलोड की थी पहले, वो रील यहाँ पे आ चुकी है। ये देखिए आप इंस्टाग्राम की रील है, ये मैंने वहीं से डाउनलोड की है और जो भी कर रहा हूँ इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, बताया आपको कि नेटवर्क की वजह से कभी कभी ज़्यादा समय लग जाता है और ये रील भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है इसलिए ज़्यादा समय लग रहा है। लेकिन गाइज प्रोसेस यही है, इसी तरीके से आप भी किसी भी इंस्टा रील को अपने गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं।